नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज में। दोस्तों, आज की इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में, इस दौड़ भाग से भरी हुई जिंदगी में हम लोग प्रोफेशनल गोल तो अचीव कर लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर का वो इंसान मायूस रह जाता है जब हमारे वो खास सपने जो कि हमने कॉलेज टाइम में या अपने यंग टाइम में देखे होते हैं, आम जिंदगी से कुछ अलग करने की चाहत रखने के वो सपने अधूरे रह जाते हैं। हमारे उन्हीं सपनों को पूरा करने में एक शख्स हैं जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों की भरपूर सहायता कर रहे हैं ताकि आम लोग अपनी इस आम घिसी पिटी जिंदगी से हटकर अपने उन ख्वाबों को फिर से जी सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, यहाँ लद्दाख के एक बाइक कंपनी है, बाइक रेंटल कंपनी, जो कि लोगों को यहाँ पर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए फिर से वो जोश दे रहे हैं, वो सपने एक बार फिर से लोग खुलकर जी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिंजन से। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह की मदद और किस तरह की सहायता वो लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं और उनका यहाँ पर क्या गोल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताएं कि आपकी जो रेंटल बाइक कंपनी है, ये J&K की फर्स्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, किस तरह की हेल्प आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं और क्या सोचकर आपने ये कंपनी स्टार्ट की? जब हमने ये कंपनी शुरू किया था मैम, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम नहीं था जिसके मुताबिक हम एज अ लीगल एक एजेंसी बाइक रेंटल कंपनी के तौर पर हम चला सके। मगर 2011 से गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल शेप दिया है, तो उसके बाद हमने ये कंपनी शुरू की। हमने ये बिजनेस 2005-06 से कर रहे हैं, लेकिन 2011 से J&K गवर्नमेंट ARTO ले ने एक इनिशिएटिव लेके हम लोगों को ये एक फैसिलिटी दी है कि आप इस बिजनेस को एज ए लीगल तौर पे आप इसको करवा सकते हैं ले में। रिंजन जी, यहाँ पर हमने देखा है बहुत से बाइकर्स आते हैं, चाहे वो हम इंडिया की बात करें या फॉरेनर्स बोले, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों में इस चीज़ को लेकर एक अलग ही तरह का रश हम कह सकते हैं वो है, तो कैसा फील करते हैं आपके, आप पहले इंसान हैं इस चीज़ को यहाँ पर J&K में इंट्रोड्यूस करने वाले और आज ये इस लेवल तक पहुँच चुका है कि हर कोई आकर यहाँ आपको अप्रोच कर रहा है? नहीं, ये कहना गलत होगा कि मैं पहला इंसान हूँ जिन्होंने ये शुरू किया था। हमारे से पहले बहुत सारे लोग ये कर रहे थे। हाँ, पहला बेशक मैं वो इंसान था जिनको ये लाइसेंस पहली दफ़ा मिला है। जब हम बहुत छोटे थे तब हम देखते थे कि सिर्फ अंग्रेज़ लोग, जो यूरोपियंस लोग यहाँ पे लद्दाख में मोटरसाइकिल टूर करते थे, लेकिन जब से यहाँ पे एक मूवी बनी है 3 Idiots, उसके बाद लोगों में एक अलग सा लद्दाख के लेके एक अलग सा क्रेज़ आया है। उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलिंग जो लद्दाख में है बहुत एक यहाँ के यूथ के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम, एक अच्छा एक टूरिस्ट के लिए, एक लोकल्स को एक अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का एक मौका मिला है इसकी वजह से। रिंजन जी, आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है इस चीज़ से रिगार्डिंग, और हम देख रहे हैं कि आपने बहुत से इनाम भी, बहुत से प्राइजेस भी जीते हैं, तो किस तरह का आपका ये अनुभव रहा? नहीं, काफ़ी लोगों से, सिंस हम एक एडवेंचर टूरर कंपनी है तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस है हमारे पास, तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितने सारे लोगों को हम यहाँ पे लद्दाख में उनका वेलकम कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उतना ही हमें अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जितना हम लोगों को लद्दाख के जो अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं उनका आनंद लेने का मौका दें। और एक हर किसी, जब हम भी स्कूल कॉलेज में होते थे तब हम भी सोचते थे कि एडवेंचर ट्रिप करें, तो ऐसे ही अगर लोगों की ख्वाहिशें पूरा कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगा। जी, यूथ ज़्यादातर इस चीज़ से इंस्पायर रहता है और ये करना चाहता है, एडवेंचर ट्रिप की अगर हम बात करें तो आप क्या उनको प्रिकॉशंस जो वो लें यहाँ आने से पहले, और बाइक ये जो रैलीज में बच्चे हिस्सा लेते हैं उससे रिगार्डिंग आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोटरसाइकिलिंग कम्प्लीटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो एक तो आप रैली को आप ये टूर के लिए बिल्कुल आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी जो लद्दाख में है कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो रैलीस में आते हैं। अभी लोग ज़्यादातर जो आपको एक्सपीडिशन, आपने आपको लद्दाख का इन्वायरमेंट, लद्दाख का मौसम, लद्दाख की पहाड़ियाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों से मैं खाली यही
कहना चाहूँगा कि हमने अभी मैं इतने 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे ही बिना विदाउट एनी बैकअप सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप एक दो तीन दोस्तों को लेके निकल जाते हैं। लेकिन हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे ये जो लद्दाख का टेरेन जो है इस तरह का है नहीं जहाँ पे आपको हर दूसरे तीसरे कदम पे आपको कोई सपोर्ट मिल सके। तो मैं जो भी लद्दाख अभी प्लान कर रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि एटलीस्ट आप ऐसे टेरेन में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपको बैकअप के तौर पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर हो। आप लोग ऐसे यार दोस्तों के साथ निकल जाते हैं और आप लोग कहीं ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं जो भी लद्दाख का प्लान कर रहे हैं उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप लोग एक अच्छे टूरर कंपनी के साथ, उनके साथ मिलके आप उनके थ्रू आए तो आपके लिए जो भी रास्ते में इनकन्वीनियंस होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि रास्ते में खड़े होकर हेल्प मांगते हैं, तो ऐसा उनके साथ ना बीते तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छे कंपनी के साथ होके आए या अदरवाइज कोई ना कोई बैकअप सपोर्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से जो लोग आप लोगों से यहाँ पर कोई भी पैकेज लेते हैं एक्सपेडिशन का, उससे रिगार्डिंग आप लोग क्या फैसिलिटीज़ हैं जो उनको प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ वाइज या बाकी भी ट्रेवलिंग इश्यूज अगर कोई आए तो? देखिए, जब भी हमारा टूर स्टार्ट होता है तो जो लोग ले में डायरेक्ट आके टूर स्टार्ट करते हैं तो उनको एटलीस्ट हम ले में 2 दिन का उनको एक्लेमेटाइजेशन पीरियड देते हैं। फर्स्ट डे तो हम उनको बिल्कुल ही मोटरसाइकिल को हाथ तक लगाने नहीं देते हैं। सेकेंड डे हम उनको एक छोटा सा एक राइड पर ले जाते हैं जिसको हम टेस्ट राइड के तौर पर मान सकते हैं या जिसको हम बंदों को मोटरसाइकिल से आदि करने के उस पर ले सकते हैं। तो हम उनको तकरीबन 100 किलोमीटर का एक राइड देते हैं और उसके अलावा हमारे पास मेडिकल बैकअप होता है। जब भी हम अपना टूर लेते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट होता है और एक बैकअप जीप होता है जिसमें इन केस किसी को भी, क्योंकि लद्दाख जो एक हाई अल्टीट्यूड एरिया में है तो काफ़ी लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है हेल्थ वाइज, तो उनको भी इन केस कुछ हो जाए तो गाड़ी में बिठाने का, उन सबके लिए भी हम इंतज़ाम करके चलते हैं। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, लोग जैसे ही J&K का नाम सुनते हैं तो एक डर का माहौल उनके दिमाग में आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारी स्टेट में जो भी कुछ मुश्किलात हैं, यहाँ आने वाले टूरिस्ट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लद्दाख में किस तरह से आए और जो मिसकंसेप्शन कहें या कुछ माहौल को लेकर जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के दिमाग में रहता है उन चीज़ों को किस तरह से लें? नहीं, अभी हमने जो देखा है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे डिपार्चर्स भी कश्मीर से निकालते हैं तो लोगों के मन में ये होता है, जब हम लोग वो लोग सोचते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर से होके हुए जाना पड़ेगा तो उनके मन में ये होता है कि हाँ सर कैसे निकलेंगे, श्रीनगर से कैसे जाएंगे। लेकिन जब वो लोग एक बार वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि कोई ऐसा एक्सट्रीम डर का माहौल नहीं है कि आप लोग बोले कि लद्दाख जाना है तो कश्मीर से कैसे जाएंगे, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारा हर साल 20 से 25 डिपार्चर्स श्रीनगर से होता है, हम स्मूथली काम करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सबको मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कोई डर का या ऐसा कोई आप लोग परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप श्रीनगर से भी जा रहे तो हमने कभी भी आज तक ऐसा कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं किया है। लास्ट में चलते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये तीनों अलग अलग हैं, हालांकि लोगों को नहीं पता कि J&K का ही पार्ट है लद्दाख। तो चलते हुए उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी स्टेट में हमारे मेहमान बन के आना चाहते हैं? नहीं, देखिए, लद्दाख जो है इट्स अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जो भी लोग आएंगे हम एज एक लद्दाखी के तौर पर, एक ट्रैवल एजेंट के तौर पर हम यही कोशिश करेंगे कि लोग एक अच्छी मेमोरी के साथ यहाँ से वापस जाए ताकि वो लोग कह सके कि हम जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख नाम का भी जगह है जिसको हम घूम के आए हैं और वहाँ के लोग, वहाँ के ट्रैवल एजेंट, यहाँ के गाड़ी वाले, यहाँ के होटेलियर्स सब बहुत अच्छे, एक हम एक उनको एक यादगार मेमोरी देना चाहेंगे। तो अगर हम इस चीज़ में अगर हम सफल हो पाए तो हमारे स्टेट का ही नाम अच्छा जाएगा, सिंस हम जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रिंचन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ आने वाले लोगों के लिए हर तरह की सहायता, हर तरह की सहूलियत वो मुहैया करवाते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ दिल खोल कर आइए, बिना किसी डर के आइए,
जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी, यहाँ आने वाले हर एक टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ सीईएन न्यूज़, संध्या मुखर्जी।